Okay, so in the last class we saw the physical structure of the horn antenna. We saw the E plane sectoral horn and H plane sectoral horn. So recall that ki ye kuch aisa structure tha, and this was waveguide, and when we flare the waveguide then we can realize the horn antenna. Acha ye kaun sa plane tha, recall? XY plane. एक्स वाई प्लेन पे फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था, एंड दिस ए इज़ नोन एज ब्रॉडर डायमेंशन, बी इज़ नोन एज नैरो डायमेंशन. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? वाई डायरेक्शन की तरफ है. और ये जो हॉर्न का माउथ भी मैंने ओपन किया है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, तो कैन आई से कि आई एम फ्लेयरिंग द माउथ ऑफ हॉर्न इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस. सो वी कैन गेट द ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न. तो चलिए, एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न क्या था कि ये अपना वेवगाइड सेक्शन था. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? वाई की तरफ है, एंड एक्स इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आई हैव फ्लेयर्ड द माउथ ऑफ हॉर्न इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. आई हैव फ्लेयर्ड द माउथ ऑफ हॉर्न इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न बना. तो चलिए देखिए कि कॉनिकल हॉर्न कैसा बना था, सर्कुलर हॉर्न कैसा बना था, कि एक सिलेंडर का माउथ क्या था, ओपन कर दिया था, तो वी गेट अ सर्कुलर हॉर्न. तो इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फेज, फेज डिफरेंस, और भी चीज़ें आगे देखेंगे. तो कैन आई से इट्स अ वन साइकिल? बिल्कुल है. यहाँ पे एंगल कितना है? 0 डिग्री. यहाँ पे 90 डिग्री. यहाँ 180 डिग्री. यहाँ कितना है? 360 डिग्री. तो लेंथ ऑफ वन साइकिल इज़ नोन एज वेव लेंथ. तो क्या बात समझ में आई कि एक वेव लेंथ में कितने डिग्री का रोटेशन होता है? 0 to 2π, 2π डिग्री का रोटेशन होता है. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फॉर लेमडा लेंथ कितने का रोटेशन हुआ? 2π का. तो यूनिट लेंथ के लिए कितने का रोटेशन होगा? 2π/λ का. तो एक्स लेंथ के लिए क्या होगा? 2π/λ x. तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वी से फेज. एंड 2π/λ इज नोन एज बीटा. अच्छा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन? तो आप समझिए कुछ ऐसा कि सपोज दैट एक वेव है जो ट्रेवल कर रही है. तो यदि ये वेव ट्रेवल करेगी तो ये कुछ ना कुछ पाथ चलेगी. तो यदि ये वेव ट्रेवल करी, कुछ ना कुछ पाथ चली, तो मतलब उसमें पाथ का कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा. यदि पाथ में पाथ लेंथ इन्वॉल्व है तो वेव का क्या होगा? फेज क्या होगा? चेंज होगा. तो बात ये समझ में आई कि जब वेव ट्रेवल करेगी तो उसका क्या होगा? फेज चेंज होगा. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दैट दिस इज़ एंटीना ए एंड दिस वन इज़ एंटीना बी. एंड यहाँ पे देखिए एक वेव है. ये वेव कैसा पाथ ट्रेवल किया? x1. दूसरा वेव ने कैसा पाथ ट्रेवल किया? x2. तो इसका फेज क्या होगा? 2π/λ x1. इसका फेज क्या होगा? 2π/λ x2. क्यों? क्योंकि 2π/λ में यदि पाथ लेंथ का मल्टीप्लाई किया तो फेज प्रोड्यूस हो जाता है. अच्छा, इन दोनों के फेज में डिफरेंस होगा क्या? बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि पाथ में क्या है? डिफरेंस है. तो देखिए, फेज डिफरेंस का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसका फेज माइनस इसका फेज कर दूं तो मुझे फेज डिफरेंस मिल जाएगा. देखिए मैंने यहाँ पे किया है, तो 2π/λ x2-x1. क्या बात समझ में आई कि ये x2-x1 क्या है? पार्ट डिफरेंस है, एंड दैट पार्ट डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेज डिफरेंस. तो चलिए आगे थोड़ा सा कुछ और चीज़ें समझते हैं कि व्हाट इज़ फेज सेंटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द केस ऑफ हॉर्न एंटीना. तो व्हाट इज़ फेज सेंटर? मैंने यहाँ पे एक हॉर्न एंटीना बनाया है. ये इसका फुल व्यू है और ये इसका क्या है? साइड व्यू है. तो यहाँ पे देखिए, इस एज को देखिए, इस एज को देखिए. इस एज को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं और इस एज को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो दोनों कहीं ना कहीं क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ नोन एज फेस सेंटर. मान लीजिए आपके पास सर्कुलर हॉर्न होता तो क्या करते कि यहाँ की एज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते, यहाँ की एज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन मिलता दैट पॉइंट विल बी अ फेस सेंटर.
तो व्हाट इज़ फेस सेंटर? एक ऐसा पॉइंट, ये जैसे एंटीना है, तो क्या एंटीना केवल एक वेव को ट्रांसमिट करेगा? आंसर इज़ नो. क्यों? क्योंकि एक एंटीना थाउजेंड्स ऑफ वेव को ट्रांसमिट करता है. तो इस पॉइंट पे देखे क्या होता है. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फेजेस ऑफ ऑल द वेव्स आर सेम. तो इस पॉइंट पे जितनी भी वेव्स होंगी, सभी यहाँ से वेव्स और जो भी ओरिजिनेट हो रही हैं, सभी का फेज़ क्या होगा? सेम होगा. सेम फेज़ कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए इस एंटीना ने 1, 2, 3 फील्ड्स को प्रोड्यूस किया, तो आप पहले देखिए कि सेम फेज़ का मतलब क्या होता है. क्या E1 और E2 सेम फेज़ पे हैं? बिल्कुल हैं. क्या E1 और E3 सेम फेज़ पे हैं? नहीं. क्या E2 और E3 सेम फेज़ पे हैं? नहीं. तो इस पॉइंट पे जितनी भी वेव्स होंगी, सभी का फेज़ क्या होगा? सेम होगा. एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज फेज सेंटर. तो सर, चलिए थोड़ा सा अब हम ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न की ज्योमेट्री को और अच्छे से समझते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न. तो यहाँ से चालू करते हैं. दिस सेक्शन इज़ नोन एज वेवगाइड सेक्शन. ए इज़ नोन एज ब्रॉडर डायमेंशन. बी इज़ नोन एज नैरो डायमेंशन. अच्छा, वेवगाइड को नीचे से एक्साइट किया, बॉटम से एक्साइट किया, तो ये इसमें फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ये कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस होगी. जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं? वेवगाइड एक्सिस भी बोलते हैं. और वेवगाइड कैसा स्ट्रक्चर होता है? गाइडिंग स्ट्रक्चर होता है. अलॉन्ग इट्स लेंथ क्या करता है? एनर्जी को गाइड करता है. तो एक्स वाई प्लेन को कौन सा प्लेन कहते थे? रिकॉल दैट कि इट वॉज अ ट्रांसवर्स प्लेन. देखिए, एक्स वाई प्लेन पे सेंटर पे ये मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन बना दिया, इसको यहाँ से यहाँ बना दिया. देखिए, फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे मैक्सिमम है, कॉर्नर पे मिनिमम है. तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है. ये ट्रांसवर्स प्लेन है. ये यहाँ पे भी मैंने यही बनाया है. देखिए, ये एक्स वाई प्लेन. आप याद रखिए कि ये एक्स वाई प्लेन और ये वाई डैश और एक्स डैश प्लेन दोनों अलग चीज़ें हैं. दोनों अलग कैसे हैं ये बाद में समझ में आएगा. अच्छा, अब आते हैं कि वेव गाइड को फ्लेयर किया. फ्लेयर किस डायरेक्शन पे कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. वाई डायरेक्शन पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. अच्छा, देखिए, वेव गाइड को मैं किस डायरेक्शन पे फ्लेयर कर रहा हूँ? वाई डायरेक्शन पे. तो कहना इसे कि आई एम फ्लेयरिंग द स्ट्रक्चर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये कौन सा हॉर्न बनेगा? ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न बनेगा. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी, एक्सपेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ इन द वाई डायरेक्शन. अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं वाई डायरेक्शन पे एक्सपैंड करूँगा तो मेरा बी वन चेंज होगा क्या? ए चेंज होगा? ए चेंज नहीं होगा, केवल और केवल बी चेंज होगा. आगे चल के मैं इसको, इस बी वन को बोलूँगा अपर्चर ऑफ हॉर्न, आगे बताऊँगा. तो देखिए, इस एक्स वाई प्लेन पे फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ऐसा है, बिल्कुल आप दिमाग में रखिए. अच्छा, ये जो पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट बना है, दैट इज़ नोन एज फेस सेंटर. फेस सेंटर क्या होता है? रिकॉल दैट कि फेस सेंटर इज़ अ पॉइंट वेयर द फेजेस ऑफ ऑल द वेव्स विल बी सेम. जेड इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? वाई है. जेड क्या है? किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ये जो फोर फिंगर्स होती हैं वो किसकी डायरेक्शन पे रखते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पाम के परपेंडिकुलर होना चाहिए. और जेड इज़ द थंब इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराइए. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे? वाई डायरेक्शन पे. थंब किस डायरेक्शन पे? ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है? जेड. तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराइए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये ई क्रॉस एच रूल को भी यहाँ पे हम चाहें तो फिट कर सकते हैं. ए कौन सा डायमेंशन कहलाता है? ब्रॉडर डायमेंशन. बी कौन सा डायमेंशन कहलाता है? नैरो डायमेंशन. तो चलिए आगे देखते हैं. आपने एक्स वाई प्लेन पे देखा कि कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था. तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एक्स वाई प्लेन. तो मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई. क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक्स वाई प्लेन पे. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या इसका नेचर जो है, इसका जो शेप है,
किसकी तरीके से लग रहा है, कॉस की तरीके से लग रहा है, सेंटर पे मैक्सिमम फिर इधर मिनिमम है, कॉस का भी नेचर यही होता है, तो मतलब इसका जो मैथमेटिकल सपोर्ट होगा वो कैसा होगा, कुछ कॉस नेचर का होगा। तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा ए कॉस पाई एक्स बाई ए इज इक्वल टू ई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। चलिए अब देखिए ये कौन सी डायमेंशन है, ब्रॉडर डायमेंशन। रिकॉल दैट कि आप देखिए पीछे की तरफ देखिए, ये कौन सी डायमेंशन थी, ये कौन सी डायमेंशन थी, ब्रॉडर डायमेंशन। यानी ये फील्ड किस डायमेंशन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्रॉडर डायमेंशन के अलॉन्ग। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने फील्ड को किसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है, ब्रॉडर डायमेंशन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलिए यहाँ इसकी लेंथ कितनी है ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बाई टू कॉमा जीरो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए बाई टू कॉमा जीरो। मतलब ए बाई टू यदि इस इक्वेशन में रखूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो चलिए रख के देखिए, ए बाई टू यदि आप पुट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो। माइनस ए बाई टू यदि रखूँ तो भी जीरो आ जाना चाहिए, माइनस ए बाई टू पुट करके देखिए तो ए कैंसिल आउट, और इधर कितना बच जाएगा, माइनस पाई बाई टू। कॉस माइनस पाई बाई टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन से प्लेन पे है, ट्रांसवर्स प्लेन पे है। मैंने इसको एक्स और वाई का फंक्शन क्यों लिखा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जेड इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए थोड़ा सा और हॉर्न के बारे में, हॉर्न के डायमेंशन को देखते हैं। ये कैसा हॉर्न है, साइड व्यू ऑफ द हॉर्न है। ये क्या है, एक्साइटेशन है। बी को क्या बोलते हैं, नैरो डायमेंशन बोलते हैं। चलिए इसमें ग्राफ में नया क्या है ये देखिए, इस फिगर में नया क्या है ये देखिए। ये रो रो एक लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर। फेस सेंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सभी वेव्स का फेस क्या हो, सेम हो। रो क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द हॉर्न। बी क्या कहलाता है, ये बी वन क्या कहलाता है, अपर्चर ऑफ द हॉर्न। तो इन दोनों पैरामीटर्स को आपको दिमाग में रखना है, और एम्पलीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन ये याद रखना है, दिमाग में रखना है कि कॉस नेचर का होगा। लेकिन ये कहाँ पर है, ये अच्छे से बिल्कुल याद रखना है कि ये कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन पे है। एक्स वाई प्लेन कहाँ पर है आपका, ध्यान दीजिए, एक्स वाई प्लेन कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन। इस वाई डैश एक्स डैश प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ और एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ये एम्पलीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि रेडिएशन पैटर्न कैसे फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।